ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अगर सूकर पालन व्यवसाय की बात की जाए तो ये व्यवसाय हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो कि लाभकारी सिद्ध हो रहा है। परंतु इस व्यवसाय की सफलता तभी संभव है जब सूकरों की देखभाल एवं आहार व आवास प्रबंधन अच्छे प्रकार से करें, क्योंकि अगर सूकर का आहार व आवास प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो उनके शारीरिक वजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः सूकरों के आहार व आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक विशेषज्ञ। उषा रानी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि सूकर पालन से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए ये आहार और आवास व्यवस्था इसका बहुत मुख्य रोल है। तो पहले आपको बता दें कि आवास ऐसे जगह पर हो कि खुला वातावरण रहे, जमीन कुछ ऊंचाई पर हो, और जो उसका मकान बनाया जाता है उसमें एक तिहाई भाग बंद और दो तिहाई भाग खुला होना चाहिए। खुला भाग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सूकरों का आदत है कि बाहर रहने के लिए, और यदि खुला भाग बाहर आप बनाते हैं तो आपको उसको खर्च भी माने कि बहुत कम पड़ता है। घर की ऊंचाई जो है 7 से 8 फीट होना चाहिए पीछे साइड में, और आगे 6 से 7 फीट ऊंचाई रखे, और जो उसका बाउंड्री बीच दो घरों के बीच की जो पार्टीशन वाल है उस 3.5 फीट से ज्यादा मत दीजिए। वो भी दीवार आपको मात्र 5 इंच का देना है। हमारे किसान अधिकतर 10 इंच का जो दीवार दे देते हैं उसमें बहुत उनको खर्च काफी बढ़ जाता है और उससे कोई फायदा नहीं होता है। दीवार 5 इंच का दे लेकिन उसको प्लास्टर कर दें, और जो जमीन है जमीन एकदम ढालू नुमाना होना चाहिए। आगे ऐसा होना चाहिए कि जहां भी पेशाब या पानी हो, कोई यदि सफाई नहीं भी करे तो जो गेट बना हुआ गेट के पास आ जाए। तो बल्कि आप यदि 20 फीट का आपका चौड़ा बाहरी और भीतरी लेकर के आता है तो पीछे से लेकर यहाँ तक करीब 10 से 15 फीट ढालू नुमा होना चाहिए, और जमीन को एकदम ढलाई कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सूरों का आदत है कि अपने घर में पखाना नहीं करना चाहता है, वो बाहर पखाना करता है, तो जो आपका पानी का नाद है एक साइड में दरवाजा रहे तो उसके अपोजिट साइड में पानी का होना चाहिए, और पानी देने के लिए बाहर से होना चाहिए। और खाने के लिए आपको अलग से नाद बनाने की जरूरत नहीं है, जो जमीन है आपका पक्का जमीन है उसी पर दे दें। तो मोटा मोटी आपको 200 स्क्वायर फीट का जमीन जो घर बनाते हैं तो उसमें बड़े सुअर यदि रखते हैं तो करीब आपको 7 से 10 सुअर रख सकते हैं जो कि प्रजनन युक्त है, और यदि मीट पर्पस के लिए फेडनिंग पर्पस के लिए रखते हैं तो उसमें 10 से 15 रख सकते हैं। पर्पस पर डिपेंड करेगा किस पर्पस के लिए आप रख रहे हैं, लेकिन जब सुकरी बच्चा देने का टाइम आ जाए तो कम से कम बच्चा देने के करीब 7 से 10 दिन पहले उसको फ्रेंग पेन प्रसूति गृह मिले जाना चाहिए। प्रसूति गृह अलग तरह का बना होता है। प्रसूति गृह ऐसा होता है कि उसमें एक गार्ड रेल होता है। सुकरियों का आदत है कि दीवार से सट के बैठने के लिए, और जब दीवार से सट के बैठती है तो दीवार और के बीच में बच्चे दब करके काफी मर जाते हैं, तब उससे हम लोग देखेंगे कि 10% मृत्यु दर उससे बढ़ जाती है। और गार्ड रेल का एक लोहे का पाइप है जो कि जमीन से 9 इंच ऊपर और दीवार से 9 इंच छोड़ करके बनाना चाहिए। ज्यादा भी स्पेस देंगे तो सॉरी उसमें बैठ जाएगी, तो उससे आपका मृत्यु दर काफी रोका जा सकता है। और बहुत से किसान है कि झुंड में सुअर रखते हैं और बच्चा उसमें दे देती है, उसमें बहुत सा मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसे हमेशा रखना है कि बच्चा देते समय एक घर में एक ही सुकरी रखे, और जो आगे नाली है नाली को ढालनुमा बना दीजिए, बाहर निकल जाएगा आपको, और जहां अंत होता है वहां पर एक गड्ढा खोद दीजिए कि आपके जितने मल मूत्र है उसमें जमा रहे, और बगल में यदि पेड़ की व्यवस्था है तो पेड़ लगा दीजिए कि पेड़ में होगा तो आपको माने उसे पत्ते को सुअर खाएंगे भी, और गर्मी के दिन में वो छायादार का काम करेगा। और ये तबका आवास का हो गया है। दूसरा है कि खान पान का, तो सूकरों में अधिक जो खर्च पड़ता है कहीं 75 से 80% खान पान भी पड़ता है, तो इसको जितना हम सस्ता करेंगे उतना हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, गांव में बहुत सारे उपलब्ध है होटल वेस्ट, तो 100% होटल वेस्ट पे भी रख सकते हैं। हम लोग इस पर शोध किए हैं और पाए हैं कि यदि होटल वेस्ट पर हम सूकरों को रखते हैं तो एक वर्ष में करीब 130 केजी वजन हो जाता है, और यदि दाने पर रखते हैं तो मात्र 100 केजी होता है, तो उससे हमको सस्ता भी हो जाता है और जानवर भी स्वस्थ हो जाता है। और जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं उनको तो होटल वेस्ट नहीं मिलेगा,
तो उसके लिए क्या करना है कि जो घास है आसानी से उपलब्ध है उससे हम एक तिहाई दाना का बचत कर सकते हैं। और घास देने से देखिए फायदा क्या होता है कि घास में हमको मिनरल मिक्सचर विटामिन नेचुरल मिल जाता है, जो कंसंट्रेट फीड बनाते हैं संतुलित आहार जो बनाते हैं दाना मकई चोकर खली मिला करके, तो उसमें हमको मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे घास से हमको मिनरल मिक्सचर मिल जाता है अपना, तो एक तिहाई दाना आपको उससे बच जाएगा। बाकी जितने माने कि जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको दे सकते हैं, फ्रूट का वेस्ट है, और देहाती क्षेत्र में बहुत इसका उगता है, बहुत माने लोग फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये गांव में बहुत सा जो ये हड़िया बनाते हैं, जदि बना रहे हैं तब वो भी सुअर के लिए बहुत अच्छा खाना है, एकदम संतुलित खाना कह सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोटीन करीब से 17-18% हो जाता है, जिसे मेहरा कहते हैं गांव में, यदि उसको दे देते हैं तो 17-18% माने कि आपको कुछ भी नहीं देंगे तो उसे काम चल जाएगा। तो यदि सुअर पालन कर रहे हैं तो सस्ता करना है तो जो गांव में उपलब्ध है, अभी देखिए सब्जी का दिन, अभी गोभी का दिन है, गोभी का पत्ता बहुत आसानी से सुअर खाता है, आलू का दिन है, आलू का पत्ता खिले, जितने बेकार चीज है इसको खा करके ये मीट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आवास अच्छी तरह से रखेंगे, खाना को माने सस्ता बना करके देंगे, तो इसमें आपको आमदनी काफी होते रहेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। अतः मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल की कटाई मड़ाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जो कृषक किसी कारणवश गेहूं की शेष बची हुई फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य अभी नहीं कर पाए हों, वे किसान भाई अभी कटाई गहाई का कार्य शीघ्र करें। सप्ताह के आने वाले दिनों में संभावित शुष्क मौसम एवं पश्चिम दिशा से तेज गति से हवा बहने के मद्देनजर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की कटाई गहाई मड़ाई तथा सफाई की क्रियाओं को इस सप्ताह तक समाप्त कर लें, साथ ही मड़ाई के उपरांत भूसे को सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। दिन में तेज धूप खिली रहने के कारण अनाज की सफाई कर पक्के फर्श पर 2 से 3 दिनों तक इतना सुखाएं कि अनाज में 12% से अधिक नमी न रहे। गेहूं के अनाज का भंडारण करने हेतु किसान भाई एल्यूमिनियम फास्फाइट 10-10 ग्राम की एक गोली प्रति क्विंटल अनाज की दर से वायुरोधी संरचनाओं जैसे धातु का बिन या बोरों में भरकर वायुरोधी गोदामों में रखकर भंडारित करें। इस गोदाम को कम से कम 1 सप्ताह तक अवश्य बंद रहने दें। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की दशा में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु जिन कृषक भाइयों ने अभी तक चारे वाली फसलों की बुआई ना की हो, वह गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत खेतों में आवश्यकता अनुसार लोबिया एवं मक्का की उन्नतशील किस्मों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर पलेवा अवश्य करें। गन्ने की नौखल या पेड़ी की फसल 60 दिनों की हो गई है, अतः आप नत्रजन की पूर्ति हेतु 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच डालकर 24 घंटे के अंदर सिंचाई अवश्य करें व ओट आने पर कल्टीवेटर से गुड़ाई कर दें। इससे खरपतवार नियंत्रण होने के साथ साथ कूड़ों पर मिट्टी चढ़ जाने से नए कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आगामी खरीफ मौसम में धान एवं अन्य फसलों की भरपूर पैदावार लेने, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने एवं मृदा की भौतिक दशा सुधारने हेतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम को मद्देनजर रखते हुए खेतों में एक बार गहरी जुताई कर उन्हें खुला छोड़ दें, जिससे संभावित तेज धूप लगने से खेत में उपस्थित पिछली फसल के हानिकारक कीट फफूंदी तथा अन्य खरपतवार नष्ट हो जाएंगे।
आगामी खरीफ मौसम में फसलों में आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग करने हेतु किसान भाइयों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाने का यह उचित समय है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जुताई किए हुए खेतों से कम चार स्थानों से जमीन की सतह से 6 इंच की गहराई तक मिट्टी के नमूने एकत्रित कर आधा किलोग्राम मिट्टी का नमूना लेकर क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाएं, जिससे मृदा परीक्षण की रिपोर्ट कृषकों को समय से दी जा सके। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम, लीची एवं नींबू वर्गीय फलों के बागों में सिंचाई करें। इसके अलावा आम के फलों को गिरने से बचाने हेतु नेफेथिलीन एसिटिक एसिड 4 मिलीग्राम सक्रिय तत्व को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। खेतों में खड़ी राजमा, बैगन, टमाटर, मिर्ची, भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसलों में निराई गुड़ाई कर सिंचाई देने का कार्य करें। तापमान बढ़ने के कारण बैगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी की फसलों में कीट प्रकोप की संभावना है। अतः कीटों से बचाव हेतु मेटासिस्टाक 0.2% का घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। प्याज की देर से रोपी गई फसल में हल्की सिंचाई करें। गर्मी के इस मौसम में पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार के पशुओं को धूप से बचाएं एवं उन्हें स्वच्छ तथा ताजा पानी पिलाएं। दूध देने वाली भैंसों को सुबह शाम नहलाएं, भूसा एवं सूखे चारे को हरे चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है जो कि लाभकारी सिद्ध हो रहा है, परंतु इस व्यवसाय की सफलता तभी संभव है जब सूकरों की देखभाल एवं आहार व आवास प्रबंधन अच्छे प्रकार से करें, क्योंकि अगर सूकर का आहार व आवास प्रबंधन किसान भाइयों अगर सूकर पालन व्यवसाय की बात की जाए तो यह व्यवसाय हमारे राज्य ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो उनके शारीरिक वजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः सूकरों के आहार व आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक विशेषज्ञ। उषा रानी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है